हेलो दोस्तों, टेक बेसिक के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने पिछले कंप्यूटर ज्ञान को, हार्डवेयर पार्ट के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस टेक एपिसोड में कुछ नए पार्ट्स के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे कि वो कंप्यूटर के लिए होना क्यों जरूरी है। वो पार्ट बहुत ही एसेंशियल है दोस्तों, वो नेसेसरी है कि वो आपके कंप्यूटर में हो, तभी आपका एक बेसिक कंप्यूटर तैयार हो पाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इस तरीके के वीडियो जो मैं बना रहा हूं, वो आप लोगों के गुजारिश पे बना रहा हूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक कंप्यूटर बेसिक की नॉलेज, प्रैक्टिकल पार्ट आगे बढ़े और वो जान पाए कि एक बेसिक कंप्यूटर को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत होती है, क्या हम उसे अपने एंड पे बना सकते हैं या नहीं, या कुछ प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। तो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को अपना लाइक दे और शेयर दे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के अपने स्टेक बेसिक के लिए जो मैंने हार्डवेयर पार्ट चुना है कंप्यूटर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SSD या HDD, दोनों ही पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे दो प्रकार का रैम है। इसके बेसिक डिटेल को हम जानेंगे, इसके कौन कौन से जनरेशन है उसको जानेंगे, कंप्यूटर पे ये कहाँ यूज होता है, किस तरीके से इसे हम लगाते हैं, ये सारा डिटेल जानेंगे। इसी के साथ में हम इस SSD या HDD के बारे में भी जानेंगे और उन दोनों के बारे में जानेंगे कि क्या डिफरेंस है। आज के टाइम पे जो यूज हो रहा है हमारा, वो SSD यूज हो रहा है दोस्तों, तो इनके बारे में हम जानेंगे कि क्यों आज के टाइम पे ये न्यू टेक्नोलॉजी यूज हो रही कंप्यूटर के अंदर, क्या डिफरेंस है, रैम जो यूज हो रहा है वो कौन से जनरेशन का यूज हो रहा है, कौन से मदरबोर्ड में कंपेटेबल होगा, एंड ऑल दैट। तो चलिए, सबसे पहले हम बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और ये जानते हैं कि एक्चुअली में जो ये रैम है वो होता क्या है और कंप्यूटर में क्यों यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, ये इसे मैं बता दूं कि इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल इन द सेंस दैट कि इसके अंदर एट अ टाइम जब कंप्यूटर पावर ऑन होगा तो जो चीज होगा वो उसी वक्त के लिए स्टोर होगा। आपने एक बार कंप्यूटर ऑफ किया तो इसके अंदर से सारी चीजें जो है वो गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज। अब ये यूज कहां पे होता है, कंप्यूटर को जब आप पावर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका इसी रैम के अंदर लोड होता है। आप जितने प्रकार का भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, चाहे वो वर्ड पे काम करना हो, एक्सेल पे काम करना हो, पावर पॉइंट पे काम करना हो, कुछ और करना हो, वो सारी चीजें इसी रैम के अंदर स्टोर होती है एट अ टाइम। और जब आप उसे सेव करते हैं या फिर जब आप कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं तो वो यहाँ से गायब हो जाता है। कंप्यूटर जब तक ऑन रहता है, जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होल्ड करता है। अब ये ऐसा क्यों करता है, देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए अच्छे स्पीड के साथ। कभी आपने गौर किया है कि अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में 2 GB का रैम हो या 4 GB का रैम हो और आपने जरूरत से ज्यादा फाइलें लोड कर दी है तो आपका सिस्टम हैंग कर जाता है या स्लो हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ कि आपके सिस्टम में रैम का स्पेस कम है और आपने उससे ज्यादा उसको लोड कर दिया है। उस वक्त जितनी भी फाइलें लोड होती है या लोड हुई होती है वो आपका रैम में ही रहता है। तो रैम की जितनी कैपेबिलिटी होगी होल्ड करने की, वो उतना ही होल्ड करेगा या प्रोसेसिंग करेगा। उस वक्त आप कोई पेन ड्राइव लगा के कॉपी कीजिए तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ दी थिंग दैट कि रैम ऑलरेडी इतना ज्यादा चीजें होल्ड कर रहा है और कुछ नई चीजें होल्ड करेगा तो उसके लिए उसको जगह चाहिए, तो वो स्पेस उसको मिल नहीं पाता उतना और उस वजह से वो चीजें जो है वो स्लो हो जाती है। तो सिस्टम के अंदर जितना ज्यादा आप बोलते हैं कि रैम होता है उसकी उतनी ज्यादा स्पीड होती है, बट किसी भी मदरबोर्ड की कैपेबिलिटी होती है, किसी भी सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है कि मैक्सिमम उसको आप कितना तक रैम दे सकते हैं, वो कितना तक रैम सपोर्ट कर सकता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों कुछ नहीं है, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी आप काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उस वक्त ये टेम्परेरी सारी चीजों को होल्ड करके रखता है। आपने सिस्टम ऑन किया, सारी चीजें इसमें उठ के आ जाती है, आप कोई काम कर रहे हैं सारी चीजें इसमें उठ के आ जाती है, आपने कंप्यूटर शट डाउन किया सारी चीजें इसमें से गायब हो जाती है। अब बात आती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहां से आता है या फिर
जो है हम जो फाइल सेव किए हुए हैं वो ओपन कर रहे हैं वो कहाँ से आता है, या फिर हम फाइल को सेव करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है। तो उसके पास जो हमारे लिए चीज है वो दैट इज SSD या हार्ड डिस्क है, जो हमारे पास परमानेंट मेमोरी का काम करता है, और इसके अंदर जो हम चीज रखते हैं वो एज अ सेव करके रखते हैं। कोई भी काम आपने रैंडम एक्सेस मेमोरी में ओपन करके किया, उसको सेव किया, तो वो हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो वो आपका सेव जो है वो हार्ड डिस्क में जाके सेव होगा, और जब कभी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वहां से उठ करके वो रैम में आएगा और फिर आपका सारा चीज लोड होगा। ये प्रोसेस है और यही इसी बेसिस पे आपका कंप्यूटर काम करता है। आपके SSD या SSD में आपने देखा होगा कि पार्टीशन होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, तो वो स्पेस के हिसाब से आप पार्टीशन करते हैं कि सी ड्राइव को हमने 50 GB देना है, ई ड्राइव को जो है वो 100 GB देना है, डी ड्राइव को 200 GB देना है। तो आपके जितना स्टोरेज कैपेबिलिटी होगा उसके हिसाब किताब से आप पार्टीशन करते हैं। फिर उसमें सी ड्राइव में बोलते हैं कि हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, डी ड्राइव में कुछ और डालेंगे, ई ड्राइव में वीडियो एंड फाइल्स होगा, ऑल दैट। तो ये जो है ये आपका परमानेंट स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। इसी के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सारी चीजें होता है। लेकिन जब आप काम करते हैं तो काम करते वक्त उस वक्त जो है आपका ये टेम्परेरी मेमोरी सारा चीज होल्ड करता है और इसी के अंदर सारी चीजें रहती है। तो चलिए हम प्रैक्टिकली अब अपने मदरबोर्ड पे जाते हैं और वहां चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि रैम जो है किस तरीके से लगता है, उसका स्लॉट कौन सा होता है। ये मेरे पास जो रैम है वो एक DDR3 है, DDR4 है, तो मेरे पास जो मदरबोर्ड है वो DDR3 है, तो मैं उसका यूज करते हुए आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। SSD को मैं दिखाऊंगा कि SSD में क्या डिफरेंस होता है और वो किस तरीके से उसके स्पीड में जो है फर्क आता है एज कम्पेयर टू SSD। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। दोस्तों आप कोई भी रैम मार्केट से लेने जाएं वो डिपेंड करता है कि आपके पास मदरबोर्ड कैसा है या फिर आप कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहते हैं। ये देखिए मेरे पास जो ये मदरबोर्ड है ये DDR3 मदरबोर्ड है, मींस दैट कि ये DDR3 रैम को सपोर्ट करेगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है DDR3 A1 स्लॉट एंड DDR3 B1 स्लॉट, यानी कि ये दोनों जो है ये रैम लगाने का स्लॉट है और इसके अंदर जो हम रैम लगाएंगे वो हम लगाएंगे DDR3 रैम। तो जैसा मदरबोर्ड होगा जिसके कॉम्पेटेबल में होगा वही मदरबोर्ड आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इस DDR3 स्लॉट में हम DDR4 रैम लगा दें तो ऐसा नहीं होगा, वो लगेगा ही नहीं इसमें। ये जो खांचे दिए गए हैं यही खांचे हैं जो आपके जो है रैम लगाने का काम करता है या इसमें रैम लगाते हैं। ये सबसे लंबा होता है, अगर आप बाकी स्लॉट्स देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में जो है ये सबसे लंबा स्लॉट होता है। तो इसका ये एक आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा वहां पे आपको नोटेशन दिया रहता है, वहां पे लिखा रहता है कि ये DDR3 है, DDR4 है। मदरबोर्ड अगर आपका DDR3 है तो वो DDR3 रैम सपोर्ट करेगा, DDR2 है तो DDR2 रैम सपोर्ट करेगा, DDR4 है तो DDR4 रैम सपोर्ट करेगा। तो यही बेसिक चीज आपको पता करनी होती है कि आपका बेसिक में मदरबोर्ड कैसा है। अब चलिए हम अपने रैम की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये जो मेरे पास रैम है ये HP का रैम है और डेस्कटॉप रैम है 8GB DDR3 और 1600 RPM इसका स्पीड है। ये जो है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है DDR3 रैम का। और ये जो खांचा है इसमें बेसिक डिफरेंस होता है, यही मेन डिफरेंस क्रिएट करता है जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि DDR3 DDR4। ये देखिए अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक भाग जो है इस तरफ ज्यादा है और एक भाग कम है। तो चलिए अगर हम इसे अगर लगाना चाहें तो क्या ये इस पे लग जाएगा। तो ये देखिए मैं इसे लगा रहा हूं और ये देखिए परफेक्टली जो है ये मदरबोर्ड पे बैठ गया है। तो ये DDR3 बोर्ड है तो DDR3 रैम ही सपोर्ट करेगा और इस तरीके से ये बैठ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके जगह पे अगर हम किसी और रैम को कंपेयर करें तो उन दोनों के बीच में हम क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये एक दूसरा रैम है, ये भी 8GB का है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसका स्पेक्स दिया गया है, देखिए ये DDR4 2400 RPM का 8GB का ये जो है रैम है। तो ये DDR4 और DDR3 रैम को अगर हम कंपेयर करें इस तरीके से रख करके तो ये देखिए इन दोनों के खांचों में फर्क है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है आपका मदरबोर्ड पे और इसी वजह से आप किसी एक जनरेशन के मदरबोर्ड पे किसी दूसरे जनरेशन का रैम नहीं लगा सकते हैं, उसी जनरेशन का उस पे जो है रैम लगेगा। चाहे वो आपका DDR2 हो तो आपके मदरबोर्ड
का भी DDR2 होना जरूरी है। अगर DDR3 रैम है तो DDR3 मदरबोर्ड होना आपका जरूरी है, या फिर अगर DDR4 रैम है तो DDR4 रैम होना जरूरी है। लेकिन क्या अगर मैं इस मदरबोर्ड पे इसको अगर लगाऊं तो क्या लगेगा? ये देखिए, बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ देखिए खांचे पे ये बैठ नहीं रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका जानना आपको जरूरी है कि अगर हम रैम खरीदने जा रहे हैं, अगर मेरे पास कोई पुराना जो है मदरबोर्ड पड़ा हुआ है और उसके लिए मैं रैम खरीदने जा रहा हूं, तो ये मुझे पता लगाना बहुत जरूरी है कि मेरा मदरबोर्ड जो है किस रैम को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं SSD की। तो ये मेरे पास जो है, ये देखिए, ये SSD है। पहले मैं HDD यूज करता था, या मैं पहले यूज कर चुका हूं, उसके कंपैरिजन में ये देखिए SSD कितना छोटा है। ये किंगस्टन का SSD है मेरे पास, और ये मेरे पास 480 GB का जो है SSD है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे जितने भी मार्केट में लैपटॉप डेस्कटॉप बन रहे हैं उन पे SSD का धड़ल्ले से यूज हो रहा है, क्योंकि इसका स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसमें आप कॉपी पेस्ट कीजिए, कोई भी वर्क कीजिएगा, तो ये आपको बहुत ही अच्छी स्पीड देता है। ये देखिए, ये इसके स्लॉट हैं। ये जो स्लॉट है ये मदरबोर्ड पे लगाने के लिए यूज होता है, और ये आपका पावर सप्लाई देने के लिए, या आप एक्सटर्नल जो आपका SMPS होता है उससे इसमें डायरेक्टली पावर सप्लाई दे सकते हैं, और इस खांचे को यूज करके आप मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इसका केबल है, एक एंड पे जो है यहाँ पे लगेगा। देखिए इसको लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये बैठ गया है। और फिर मैं दूसरे सिरे को, जो इसका दूसरा सिरा है, ये देखिए मेरे पास जो है मदरबोर्ड के यहाँ पे 4 स्लॉट दिए गए हैं आपको। चलिए मैं थोड़ा करीब से दिखा दूं। ये देखिए, ये जो स्लॉट है ये हमारा स्लॉट, ये देखिए SATA 3, SATA 1, SATA 2 _1, SATA 2 _0, ये आपका दिया गया है। तो ये यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है इसमें 4 SSD या HSD लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है इस पे आपका इजिली बैठ जाएगा। आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो फॉलो नहीं करना है। ये देखिए, ये परफेक्टली बैठ गया है। और इसी तरीके से आपको मदरबोर्ड पे जो है वो कनेक्शन देना होता है। रैम को लगाना है तो रैम को लगाने का भी तरीका मैंने बता दिया है। आप इसको सही तरीके से बैठ पकड़िए और खांचे को देखिए, और आप इसको जस्ट प्रेस करेंगे, ये दोनों जो है यहाँ से बिल्कुल बैठ जाएगा। अभी इसके कंपैरिजन में देख सकते हैं कि दोनों इसके साथ स्टिक कर गया है, और हमारा रैम जो है परफेक्टली बैठ गया है। तो दोस्तों, ये सारे जो कंपोनेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर के लिए, जिनका होना बहुत जरूरी है। चाहे वो रैम हो, चाहे SSD हो या HSD हो, चाहे CPU हो, ये सब बेसिक कंपोनेंट है। इसी कंपोनेंट को जोड़ करके जो है आप एक कंप्यूटर को बना सकते हैं। इसके बाद जो कंपोनेंट इसके साथ अटैच होते हैं वो आपका ऑक्सिलरी कंपोनेंट होते हैं, या एक तरीके से वो कहें कि आप एक्स्ट्रा कंपोनेंट इस पे लगा रहे हैं। जैसे कि अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहें तो आप इस पे ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, वो आपका एक्स्ट्रा नीड हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो क्या दोस्तों, अब हम इस बेसिक कंपोनेंट्स को यूज करते हुए जो है एक कंप्यूटर बना सकते हैं? दोस्तों, मैं अपने टेक बेसिक के अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या हम इस बेसिक कंपोनेंट जो मैंने अभी तक आपको बताया है, SMPS बताया है, CPU बताया है, RAM बताया है, और SSD और HSD मैंने आपको बता दिया, तो क्या ये बेसिक कंपोनेंट जो हमको मिल गया, क्या उसके बाद कीबोर्ड और माउस, देखिए जनरल चीज है, आप वो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, उसमें कुछ जो है टेक्नोलॉजिकल चीजों को आपको ध्यान नहीं रखना है कि ये मेरा DDR4 है या DDR3 मदरबोर्ड है, तो इस तरीके से, तो वो जनरल पर्पज चीजें हैं तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो कंपोनेंट है, दैट इज वेरी मच नेसेसरी, और इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इनमें कॉम्पेटिबिलिटी है कि नहीं। तो इसी चीज की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि ये हार्डवेयर की सारी जानकारी आपको मिल सके।